वेलकम व्यूअर्स, इंजीनियर राहिल KGCC कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो विंडो स्क्रीन ओपन की हुई है मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर, इसमें 5 मरला हाउस की कास्टिंग स्टेज वाइज एक्सीवेशन टू हैंडिंग टेकिंग मसल फिनिशिंग तक एज पर साइट प्लान स्टेप टू स्टेप एस्टिमेशन क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने अपना 5 मरला हाउस कास्टिंग के नाम से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेज वन में हाउ टू रीड 5 मरला सिंगल स्टोरी हाउस कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ये मेरा लेक्चर वन होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि एरो के साथ स्टेज टू में एक्सीबिशन अप टू DPC लेवल इंक्लूडिंग बैक फिलिंग स्टेप बाय स्टेप। मसलन इसमें जो मैंने स्टेज टू का लेक्चर वन बनाया हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एक्सीबिशन इन फाउंडेशन, इसका मैंने लेक्चर वन का सेकंड पार्ट जो बनाया उसमें लिखा हुआ हाउ टू मेक रेट एनालिसिस फॉर एक्सीबिशन इन फाउंडेशन। आप देख सकते हैं कि इसी तरह जो मैंने लेक्चर टू है उसमें हाउ टू क्रिएट द क्वांटिटी आफ्टर माइट प्रूफिंग इन फाउंडेशन, इसी का ही लेक्चर टू का सेकंड पार्ट हाउ टू मेक द रेट एनालिसिस फॉर टर्माइट प्रूफिंग इन फाउंडेशन। इसके बाद जो लेक्चर थ्री मैंने बनाया है हाउ टू क्रिएट क्वांटिटी ऑफ PCC 148 इन फाउंडेशन, लेक्चर थ्री का सेकेंड पार्ट हाउ टू मेक रेट एनालिसिस फॉर PCC 148 इन फाउंडेशन। स्टेज टू का लेक्चर फोर हाउ टू कैलकुलेट अ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू DPC लेवल, लेक्चर फोर का पार्ट टू जो मैंने बनाया है उसमें हाउ टू मेक रेट एनालिसिस फॉर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू DPC लेवल, और स्टेज टू का लेक्चर फाइव जो मैंने बनाया है उसमें हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग। सर, जो स्टेज वन स्टेज टू का मैंने लेक्चर फाइव बनाया हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ बैक फिलिंग, मसलन जो आपने 5 मरला घर में अप टू अंडर द फ्लोर बैक फिलिंग करनी है उसकी क्वांटिटी, और उसी के साथ इसका लेक्चर फाइव का सेकंड पार्ट जो मैंने बनाया हाउ टू मेक रेट एनालिसिस फॉर बैक फिलिंग। इसके बाद जो स्टेज थ्री है उसमें स्ट्रक्चर वर्क अप टू ग्राउंड फ्लोर स्लैब स्टेप बाई स्टेप हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द ब्रिक वर्क अप टू ग्राउंड फ्लोर स्लैब, उसी क्वांटिटी का फिर रेट एनालिसिस के कितनी ब्रेक इसमें यूज़ होनी है, रेट एनालिसिस तक आप मार्केट के लिहाज से मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। फिर हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ MS डोर फ्रेम और उसी का फिर रेट एनालिसिस इसमें मैं शामिल करूंगा। ये टोटल व्यूअर्स जो मैंने लेक्चर बनाए हैं स्टेज वाइज, तो इसमें आप अगर मेरी वीडियो को लाइक करते जाएंगे साथ साथ और स्टेप बाई स्टेप मेरी सारी वीडियो देखेंगे 5 मरला के घर की हाउ टू कैलकुलेट का क्वांटिटी एंड मेकिंग अ रेट एनालिसिस हाउ टू मेक द रेट एनालिसिस एंड हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ई स्टेज में इसमें आपको सिखाऊंगा, जो कि एक्सीबिशन से लेकर टिल एंड मैन गेट एंड फिनिशिंग स्टेज तक है, उसमें हर स्टेज की मैं आपको क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा एटम वाइज, उसका रेट एनालिसिस बनाना सिखाऊंगा और साथ साथ जो साइट के ऊपर आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। ये एक मैंने मॉडल बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये तो मैंने आपको लेक्चर्स के लिए बता दिया है, ये मैं अभी ये लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है KGCC कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो बनाया हुआ है इसमें मैंने रेट एनालिसिस बनाए हुए हैं सारे, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा हर स्टेप वाइज। जैसे आप देख सकते हैं कि ये घसू की फिलिंग का रेट एनालिसिस बना हुआ आपके सामने मॉडल के तौर पे, साथ साथ मैं आपको BBS बनाना सिखाऊंगा जो कि लिंटल्स में स्लैब में कॉलम में इस्तेमाल होना है। इसके साथ ही मेगा स्ट्रक्चर जो मैं क्वांटिटी ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर इसकी शीट कैसे बनाते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्टेप बाई स्टेप, जैसे कि ये मैं आपको दिखा सकता हूँ टर्माइट प्रूफिंग है एक्सीवेशन है 5 मरला करके,
ये गसू फिलिंग की मैंने शीट बनाई हुई है, ब्रिक ब्लास्ट अंडर द फाउंडेशन वो मैंने बनाई हुई है, इसी तरह मैं मिसलेनियस फिनिशिंग जो मेरे आइटम हैं आप देख सकते हैं कि पोर्सेलेन टाइल ऑन फ्लोर, स्कटिंग स्कटिंग के बनाया हुआ है, बॉट टाइल्स के बारे में है, इसी तरह एमएस मैन डोर सॉलिड डोर के बारे में मैंने कैलकुलेशन की हुई है, इसमें फ्लश डोर जो एज़ पर ड्राइंग मैंने बनाने हैं उनकी क्वांटिटी निकाली है, एलुमिनियम विंडोज़ वगैरह ये सारे ठीक है। इसी के साथ ही मैंने स्टेप वाइज मटेरियल कैलकुलेट करना है, जैसे एक्सवेशन एंड बैक फिलिंग उसकी रेट एनालिसिस मैंने बनाए हुए हैं, गसू फिलिंग के बारे में बनाया हुआ है, इसके साथ ही मैं आपको ये जो मसलन क्वांटिटी कैलकुलेशन है मटेरियल की उसकी मैंने जो जो यार्ड स्टिक बनाई हुई है, कंपेक्शन फैक्टर बनाया हुआ है या वेस्टेज बनाई हुई है उसके बारे में बताऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसमें 136 के बारे में बताता हूँ, जैसे ये मैं जूम करके बता रहा हूँ, 136 कंक्रीट अंडर द फ्लोर है, तो इसमें देखें आप देख सकते हैं कि सीमेंट सैंड क्रश और इवन के टर्माइट भी उसके अंदर मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं क्वांटिटी सर्वेयर में एस्टीमेशन में, तो ये जो 5 मरला एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे मैं अपने चैनल के ऊपर लॉन्च करने वाला हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे लेक्चर वाइज तो आप की जो ग्रिप है एस्टीमेशन के ऊपर साथ साथ हाउ टू कैलकुलेट क्वान्टिटी, हाउ टू मेक अ रेट एनालिसिस और साइट के ऊपर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उनकी चेकलिस्ट क्या होगी, एक्सवेशन कैसे करनी है, वो बेड कैसे तैयार करना है, उसकी कंपेक्शन को कैसे चेक करना है, अप टू एंड पेंट की फिनिशिंग तक के उसकी कैसे चेकलिस्ट होती है, उसकी रेट एनालिसिस कैसे बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल के DC कंस्ट्रक्शन को लाइक कीजिए, इंजीनियर रही लंजम को इजाज़त दें, शुक्रिया।